हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक न करके आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ लेटेस्ट इंडी डब एनिमेस और कुछ अपकमिंग एनिमेस के बारे में। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है तोमो चान इज अ गर्ल। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 13 एपिसोड्स है सीजन 1 में। और अगर हम इसका हिंडअप वर्शन के बारे में बात करें तो हिंडअप वर्शन 14 नवंबर से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोगों को इस एनिमे सीरीज का न्यू एपिसोड एवरी ट्यूसडे को हिंडअप में मिल जाएगा। सो जाइए, देखिए और मजे करें। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है लॉग होराइजन। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करते हैं, इस एनिमे का टोटल 25 एपिसोड्स है सीजन 1 में। तो अगर हम इस सीरीज के हिंडी वर्जन के बारे में बात करें तो 14 नवंबर से ऑलरेडी हिंदी डब में स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है क्रंचीरोल पे। और एवरी ट्यूसडे इसका एक एपिसोड हिंदी डब में रिलीज किया जाता है। सो जिन लोगों ने अभी तक इस एनिमे सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड्स है सीजन 1 में। और अगर हम हिंडअप वर्शन के बारे में बात करें तो हिंडअप वर्शन 16 नवंबर से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है। और एवरी थर्सडे को एक न्यू एपिसोड हिंडअप में रिलीज किया जाएगा बाय क्रंचीरोल। तो जिन लोगों ने अभी तक इस एनिमे सीरीज को हिंडअप में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए। और जो लोग देख चुके हैं आप लोग कमेंट्स में बताइए एनिमे सीरीज कैसा है। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे सीरीज के बारे में बात करें तो इस एनिमे सीरीज का टोटल 13 एपिसोड है सीजन 1 में। और अगर हम इसके हिंडी वर्जन के बारे में बात करें तो हिंडी वर्जन को 16 नवंबर से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जा रहा है। सो एवरी थर्सडे को इसका एक न्यू एपिसोड हिंदी डब में क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जाएगा। सो जिन लोगों ने इस एनिमे को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है देखना तो जाइए जाकर देखिए और मजे करें। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज है बडी डडीज। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड्स है सीजन 1 में। और अगर हम इसके हिंडी वर्जन के बारे में बात करें तो हिंडी वर्जन को स्ट्रीम किया जाएगा 18 नवंबर से। सो इस सीरीज का न्यू एपिसोड एवरी सैटरडे को स्ट्रीम किया जाएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक इस एनिमे सीरीज को ट्राई नहीं किया है तो जाइए जाकर ट्राई करें और बताइए आप लोगों को ये सीरीज हिंदी डब में कैसा लगा। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है माई लव स्टोरी विथ यामाडो कुन एट लेवल 999। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 13 एपिसोड्स है सीजन 1। और अगर हम इसके हिंडी वर्जन के बारे में बात करें तो हिंडी वर्जन 18 नवंबर से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है। सो एवरी सैटरडे को इस सीरीज का न्यू एपिसोड हिंडी में स्ट्रीम होगा क्रंचीरोल पे। सो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को हिंडी में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए और मजे करें। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटेन। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे सीरीज का टोटल 12 एपिसोड्स है सीजन 1 में, जिसमें से अगर हम हिंडी वर्जन के बारे में बात करें तो हिंडी वर्जन को 18 नवंबर से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जा रहा है। सो इसका न्यू एपिसोड एवरी सैटरडे को क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जाएगा। सो जो लोग इस एनिमे सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड है आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एपिसोड 1 हिंडी में रिलीज हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग सीजन 3। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 13 एपिसोड्स है सीजन 3 में, जिसमें से अगर हम हिंडी वर्जन के बारे में बात करें तो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक एक साथ 28 नवंबर को क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जाएगा। और एपिसोड 7 से लेकर एपिसोड 12 तक एक साथ 7 दिसंबर से स्ट्रीम किया जाएगा क्रंचीरोल पे। तो जो लोग इस एनिमे सीरीज को हिंडी में देखना चाहते थे तो फाइनली आप लोग इस एनिमे सीरीज को अब 28 नवंबर को हिंडी डब में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द एंशिएंट मेगा स्प्राइट दोस एवटिंग स्टार। इस एनिमे को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे को हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा क्रंचीरोल पे ऑन 6 दिसंबर। तो चलिए हम सब लोग इस एनिमे के लिए वेट करते हैं 6 दिसंबर तक। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द री इंकारनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉसिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड्स है सीजन 1 में,
इसमें से अगर हम हिंडा वर्षन के बारे में बात करें तो हिंडा वर्षन को 12 दिसंबर से क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जाएगा। सो इस सीरीज का न्यू हिंडा एपिसोड्स को वीकली टेलीकास्ट किया जाएगा थर्सडे को आफ्टर 12 दिसंबर। तो चलिए हम सब लोग इस एनिमे सीरीज के लिए वेट करते हैं, तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है स्पाई फैमिली। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 25 एपिसोड्स है सीजन 1 में, और सीजन 1 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट 1 में टोटल 12 एपिसोड्स है और पार्ट 2 में टोटल 13 एपिसोड्स है। तो अगर हम इस सीरीज के हिंडा वर्जन के बारे में बात करें तो 7 नवंबर एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 12 तक क्रंचीरोल इंडिया पे प्रीमियर किया गया था। सो जिन लोगों ने अभी तक इस एनिमे सीरीज को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाइए जाकर देखिए, और जो लोग देख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट एनिमे है द आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय क्रंचीरोल इंडिया। तो अगर हम इस एनिमे के बारे में बात करें तो इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड्स है सीजन 1 में, और अगर हम इस सीरीज के हिंडा एपिसोड्स के बारे में बात करें तो 20 दिसंबर से इस सीरीज का हिंडा एपिसोड्स क्रंचीरोल पे स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा, और इसका न्यू हिंडा एपिसोड्स वीकली वेडनेसडे को रिलीज किया जाएगा 20 दिसंबर के बाद। तो चलिए आज की हिंडा एनिमे के न्यूज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।